आखिर क्या कहा है जिया शंकर ने इस बार मनीषा रानी और उन्हीं के साथ साथ अभिषा फैंस को लेकर, यानी कि अभिषेक और मनीषा के फैंस को लेकर, सारे साथ मनीषा रानी को लेकर, और क्या क्या चीजें उन्होंने बोली है। एक जो जिया शंकर का समय बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उससे गुस्सा भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग उससे ऑफेंड भी हो रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ है ऐसा और क्या कहा है जिया ने, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट रमेश कांदो। आपको बता दूं कि भले ही बिग बॉस खत्म हो चुका है, जिया शंकर और मनीषा रानी दोनों ही अभिषेक की बहुत अच्छी दोस्त थी और दोनों की अभिषेक के साथ जो बॉन्डिंग थी वो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा भी आया जहां पे दोनों का हैशटैग चलना शुरू हो गया, जैसे अभिषा एक जगह और अभिया एक जगह, यानी कि जिया और अभिषेक, मनीषा और अभिषेक, ये जो हैशटैग्स थे साइमल्टेनियसली चल रहे थे, लोगों को पसंद आ रहे थे। फिर एक मोमेंट ऐसा आया कि भाई दोनों शिपर्स में लड़ाई होनी शुरू हो गई, शिपर्स इन सेंस कि अभिया और अभिषा, इन दोनों में शुरू हो गया कि कौन रियल है, कौन असली है, किसके साथ अभिषेक का बॉन्ड जनता को पसंद आ रहा है। तो इस तरीके का फैंडम वॉर भी शुरू हुआ जो हम सबने देखा और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल इन सभी चीज़ों पर उठाए गए कि ये क्या चल रहा है और किस वजह से हो रहा है। घर के बाहर आने के बाद इवन अभिषेक और मनीषा, इन दोनों को ही कहीं ना कहीं अभिषा वाले बॉन्ड के बारे में ही ज़्यादा बताया गया। जिया से पूछा गया अभिया के बारे में, खुश थी वो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भाई मतलब एक दूसरे को हेट दे रहे हैं, चाहे वो अभिषा फैंस अभिया को दे रहे हो या अभिया फैंस अभिषा को दे रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई जिया शंकर को कुछ ज़्यादा ही हेट मिल गई थी और जिया शंकर ने उसी पे एक अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि स्टोरी में जिया क्या कह रही हैं। जी आप देख सकते हो, ये जिया ने कुछ स्टोरी लगाई है, तो लिखा है गेट योर सोर्सेस राइट गाइस। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि भाई जिया जो है एक हिसाब से उनको जनता का प्यार तो मिल ही रहा था, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो जो चीजें उनके साथ हो रही हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे और इस समय, बहुत ज्यादा वो अटकती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो आप देख सकते हो, तुम लोग के फेवरेट्स है किसी और के, कोई और फेवरेट्स है, यू डोंट हैव टू लाइक डू ऑल दीस थिंग्स कि तुम लोग ऐसे सब डाल रहे हो यार चीज़ें कि मैंने विरल भयानी को 4 लाख दे दिए ताकि मनीषा को डीफेम करे। 4 लाख नहीं भाई, 1 करोड़ दिए थे। क्या बकवास है ये, ऐसे गलत गलत न्यूज़ तुम लोग फैला रहे हो। ढंग से चीज़ें पहले फाइंड आउट करो ना। 1 करोड़ का तुम लोगों ने 4 लाख कर दिया, इतना मेहनत इसीलिए तो कर रही थी मैं। जी आप सुन सकते हो, ये जिया ने बोला है मनीषा रानी को लेकर और कहीं ना कहीं उन पर भी भड़की है जो उनके खिलाफ गलत न्यूज फैला रहे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।